नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से एक नई चीज़ सामने आई, फिर से एक बार बॉलीवुड ने इस तरीके की छोटी और ओछी हरकत दिखाई है, जिसको कि बताते हुए भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, जिसके कि अगर मैं आपसे चर्चा भी करूं और आप तक ये मैसेज जब जाएगा तो शायद आप भी सुनकर इसी तरह गुस्से से लाल लाल हो जाएंगे। जी हाँ, एक बार फिर से, जैसे आपको याद होगा, गुंजन फिल्म में करण जौहर ने किस तरीके से हमारे भारत के इंडियन एयरफोर्स की किस तरीके से मजाक उड़ाई थी। फिर से नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आ रहा है एके वर्सेस एके अनिल कपूर की, वहाँ पे फिर से एक बार धज्जी उड़ाई गई है। जी हाँ, और इसका किसी ने, मैंने या आपने शिकायत नहीं की है, इसका खुद इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्विटर के माध्यम से, अपने ट्विटर ऑफिशियल हैंडल, जो इंडियन एयरफोर्स की ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है, उसको उन्होंने ट्वीट किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के एक एक नागरिक से रिक्वेस्ट किया है कि हम बीइंग अ इंडियन इस पे आवाज़ उठाएं। क्यों? और उसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जिस तरीके से अनिल कपूर में एक फिल्म, उस सीरीज में एक सीन दर्शाया गया है, उस सीन में जिस तरीके से अनिल कपूर ने जो कपड़ा पहना है, जो इंडियन एयरफोर्स की जो यूनिफॉर्म पहनी है, उसको इस तरीके से पहनी गई है, इस तरीके से, ताकि उसमें देखा, अपने देखना उसकी शर्ट बाहर निकली हुई है, तो जिस तरीके से उस यूनिफॉर्म को पहनी गई है, उस कोड ऑफ कंडक्ट का, हमारे यूनिफॉर्म का बहुत मजाक उड़ाया गया है, बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है, डिफेम किया गया है। और इस चीज़ में तो हमेशा से बॉलीवुड माहिर रही है, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो एकता कपूर हो, और अब अनुराग कश्यप हो, इन सबको जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अगर कुछ नहीं मिलता तो पहले हमारे हिंदू देवी देवता, उसके बाद हमारे इंडियन एयरफोर्स, नेवी, हमारे फौजी, हमारे आर्मी, इन सब का वो बहुत अच्छे से मजाक उड़ाते हैं, और ये हम सभी को पता है। लेकिन अब खुद जहाँ पर हम सब ने आवाज़ नहीं उठाई, इंडियन एयरफोर्स ने खुद ट्वीट किया है और बोला है कि या तो इस सीरीज से इस सीन को हटाओ, इस सीन को डिलीट करो, नहीं तो इस सीरीज़ को बंद करो, बॉयकॉट करो, बैन करो। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि हमारे देश के धरोहर, हमारे देश के एक ऐसे पिलर का बार बार धज्जी उड़ाया जाता है, बार बार मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वहीं पर मैं और आप चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि बहुत तो है कि जागरूकता, और बहुत ऐसा है कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन अनिल कपूर का इसका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, अनुराग कश्यप का इसका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। और रिएक्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि वो लोग ढीठ है, उनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। और अनिल कपूर, तुझे बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि आपको तो, मुझे आप लोगों को लगता है कि हाँ, आप यूथ आइकन हो, लेकिन अपने आपको कभी देखा है, यूथ आइकन तो बनते हो, पर आपने भारत के लिए ऐसा क्या किया है, अपने भारत देश के लिए क्या किया है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि हमारे भारत देश के एक ऐसे डिपार्टमेंट के वर्दी का आप इतना गंदा मजाक उड़ाते हुए, आपकी बेटी को पता नहीं होता, कुछ भी होता है, सीधे लिख खड़ी हो जाती है, मैं शर्मिंदा हूँ। और सोनम कपूर, आपका पूरा जो फैमिली है ना, एक ड्रामा है, ड्रामा। आपकी बेटी को तो शादी करते वक्त पूछती है, मम्मा सिंदूर हर्बल है तो, मम्मा सिंदूर हर्बल तो है ना, हर्बल सिंदूर रहेगी तो मम्मा आपकी, मम्मा बोलेगी हाँ बेटी सिंदूर लगवा लो, फिर मम्मा आपकी शादी कर, तो निकाह ही करवा लेते, पाकिस्तान से घराना है, दोस्ती है, तो वहीं से जाकर निकाह ही करवा लेते। इतना ड्रामे क्यों करते हो यार तुम लोग, टेंट्रम की स्टोरी, आपकी तुम्हारी पूरी बेटी जो है पूरी टेंट्रम का दुकान है। तो ये जो तुम्हारे ड्रामे होते हैं ना, इसको क्या करें, अपने पास रखें। और हमारे ये धमकी है सुमन पांडे की, और सुमन पांडे के पूरे परिवार की तरफ से अनिल कपूर जी पूरे इज्जत के साथ कहते हैं, अनुराग कश्यप तुम्हारे साथ तो जी भी नहीं बोलूंगी, तू तो एक नंबर का घटिया इंसान है, यू वेमेनाइजर, लिसन टू मी, अगर हमारे देश के किसी भी संस्कृति का, हमारे नेवी, आर्मी, इन सब का अगर तुमने मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो ये परिवार, पूरा सुमन पांडे का परिवार और ये भारत देश आपको माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, ऐसा आप सभी ने सुना और आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही है और हम लोग इसको सहते जा रहे हैं। लेकिन अनिल कपूर का, जैसे आपको बताया मैंने, कोई रिएक्शन नहीं आया है, अनुराग कश्यप का कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन मैं सवाल पूछती हूँ बॉलीवुड पे कि तमाचा पड़ा आपको, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, क्या आपके पास और कुछ नहीं बचा है, क्या आपके पास कुछ, क्या कुछ भी नहीं बचा है सिवाय हमारे हिंदू समुदाय को, हमारे देश की धरोहर के, देश की धरोहर का, हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए? अरे हद हो गई, अब बस भी कर दो। और अनिल कपूर आपको बुरा क्यों लगेगा और आपको फर्क क्यों पड़ेगा और आप जवाब क्यों दोगे? क्योंकि आपका जो रिश्ता है वो तो पाकिस्तान से है, और आपकी बेटी ने तो खुद बोला है कि हमारे पूरे घराना का रिश्ता पाकिस्तान से काफी अच्छा है, पाकिस्तान से हमारा बहुत अच्छा संबंध है, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आतंकवादी बिजनेसमैन, उन सबसे तो आपका आना जाना है, सोनम कपूर की शादी में बुलाया था और उनकी बेटी शादी में ब्रिटेन भी गए थे, तो आपको इनसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप एयरफोर्स का मजाक उड़ा रहे हो या नेवी का मजाक उड़ा रहे हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके लिए ये मायने ही नहीं रखते। आप लोग के लिए मायने रखता है सिर्फ बिजनेस,
आपके लिए मायने रखता है सिर्फ पैसा, आपके लिए मायने रखता है कैसे आपको पैसे कमाने हैं इन सब चीजों से। लेकिन याद रखेगा ये अब इंडिया है, ये हिंदुस्तान है, सुशांत सिंह राजपूत का न्याय तो हम लेकर ही रहेंगे दोस्तों। और साथ में जब सुशांत गए कम से कम आपको इतना तो पता चल गया होगा किस तरीके से लोग जागरूक हो चुके हैं, तो क्या अभी भी आप चुप रहेंगे? गुंजन के टाइम में हमने आवाज नहीं उठाई और गुंजन फिल्म में कई चीजें हमें इस तरीके से देखने को मिली कि हाँ गुंजन की फिल्म में ये दिखाया करण जौहर ने कि कभी भी कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को, अपनी लड़कियों को घर से बाहर ना निकाले। एयरफोर्स, नेवी, इन सब में बहुत गलत काम होते हैं, लड़कियों का शोषण किया जाता है, तो इस डिपार्टमेंट में लड़कियों को ना भेजा जाए, इस तरीके का चीजें दिखाई गई उसमें। और अब पहले तो इस तरीके की चीजें दिखाई गई और अब फिर अनिल कपूर ने एक बार उनके ड्रेस का, उनके यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाया। और सिर्फ यूनिफॉर्म का ही नहीं, जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो डायलॉग्स बोले गए हैं, जो गालियां बोली गई है, क्योंकि इनको तो सीरीज में दिखाना ही यही होती है, कितनी भी गालियां भर दो, कुछ भी दिखा दो, बस इनका सीरीज चल जाना चाहिए। इनको पता ही है कि सीरीज देखता कौन है, यूथ जनरेशन। यूथ जनरेशन को आज के टाइम में इनको लगता है कि पसंद ही यही है। यूथ जनरेशन को इन्होंने सीरीज के नाम पे एक सॉफ्ट पोर्न मूवीज दिखाना शुरू कर दिया है, बट ये नहीं देखते कि मूवी का थीम क्या लेकर आ रहे हैं, सीरीज का थीम क्या लेकर आ रहे हैं। बस इनको अडल्ट चीजें भरनी है, गालियां भरनी है, और ये फाइनली यही चीज की गई। आज इंडियन एयरफोर्स की वर्दी पहनाकर अनिल कपूर ने जिस तरीके की चीजें और जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया, इस पे खुद इंडियन एयरफोर्स ने टिप्पणी की है, ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट से लोगों के माध्यम तक हम लोगों को रिक्वेस्ट किया है, सारे हिंदुओं को, सारे माफी चाहूंगी, सारे इंडियंस को, सारे भारत की जनता को ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इसको आवाज उठाएं, बॉयकॉट करें, नहीं तो ये रिक्वेस्ट करें कि इस सीन को कैसे रिमूव करना है। दोस्तों एक बॉलीवुड से एक और खबर आ रही है कि जो हमारे सुशांत के साथ फिल्म बना चुकी है राब्ता, कीर्ति सैनन, वो हो गई है कोविड पॉजिटिव और उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, तो अब वो कुछ टाइम के लिए अपने घर में क्वारंटाइन रहेंगी। तो ये खबर सुनकर किसी का कोई मानना नहीं और किसी का कुछ भी कहना नहीं है। एक बड़ी खबर आ रही है शायद सुनकर ये सब आप बहुत दुखी होंगे, क्योंकि मुझे भी सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे कि बीते कल 24 घंटे पहले खबर ये आई थी कि एनसीबी के सब जो अभी तक का शोबेक, रिया, इन सब के जो ड्रग्स में, सुशांत केस में जो ड्रग्स छापेमारी में अभी तक का सबसे बड़ा छापेमारी की है, वहीं पर यह खबर ये भी आई है कि जो शोभिक चक्रवर्ती है, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, उसको क्लीन चिट दे दिया गया है। जी हाँ, क्लीन चिट, मतलब उसे साफ साफ बोला गया है कि ड्रग्स तस्करी में उसका कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुनकर शायद आपको बुरा लग रहा होगा और ये बात मुझे भी बुरा लग रहा है। साथ में ट्विटर पे दोस्तों एक चीज और ज्यादा वायरल हो रही है, आलिया भट्ट का सीता बनना। लेकिन ये कोई रामायण की सीता नहीं है, ये रामायण की, ये वही आलिया भट्ट है जो कि करण जौहर के शो कॉफी विद करण में उसने बोला था सुशांत मैं नहीं पहचानती कौन सुशांत। जी हाँ, पर ये सीता कोई फिल्म रामायण की सीता नहीं है, एक मूवी आ रही है उसमें एक लड़की है, उसका नाम सीता रखा गया, उसका नाम रखा गया आलिया भट्ट पे। लेकिन आलिया भट्ट को बताना चाहूंगी, आलिया भट्ट तू ये भी डिजर्व नहीं करती। तो दोस्तों मैं अपना वीडियो आज यहीं पे बंद करूंगी, बाकी आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज किसी चीज को गिव अप ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे अपने पूरे परिवार पे भरोसा है, जहां भी गलत हो रहा है वहां पर आवाज उठाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।